मध्य प्रदेश में मानसून जाते जाते भी जमकर बरस रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में पिछले 5 दिन से बारिश का दौर जारी है। सोमवार देर शाम भोपाल, रायसेन, ग्वालियर, जबलपुर, दमोह और दतिया समेत कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने हफ्ते भर पानी गिरने का अलर्ट जारी किया है। बता दें, भोपाल में सोमवार दोपहर को बादल छाए रहे, शाम होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। थोड़ी देर ब्रेक के बाद रात को फिर तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ ही साथ बादलों की गरज के साथ बिजली भी चमकी। तेज बारिश के चलते कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई। इसके साथ ही साथ इंदौर, उज्जैन के कुछ इलाकों में दोपहर में तेज बारिश हुई। बता दें, ग्वालियर में अक्टूबर महीने में 9 साल का रिकॉर्ड टूटा है। ग्वालियर चंबल में 4 दिन से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। यहां अक्टूबर में अगस्त सितंबर की बारिश जैसे हालात हैं। तो वहीं शिवपुरी में बारिश के कारण मणिखेड़ा बांध भर गया है। बांध का पानी अमोला पुल तक जा पहुंचा है। पानी से पुल के सारे पिलर डूब गए हैं। बता दें, 1.344 किलोमीटर लंबा अमोला पुल जिले का सबसे बड़ा पुल है। तो वहीं मौसम वैज्ञानिक HK पांडे ने बताया कि अभी जो सिस्टम बन रहा है उससे अगले 3 दिन तक बारिश का पूर्वानुमान है। हवाओं की रफ्तार दक्षिण पूर्वी होने से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिल रही है। यही सिस्टम ग्वालियर चंबल में एक्टिव होकर अच्छी बारिश करा रहा है।